और अब बात पश्चिम बंगाल के चुनावों के, उत्तरी पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है उसकी बात करेंगे। और यहाँ पर मामला अगर चंडीगढ़ में बीजेपी को मुक्की लगी है तो यहाँ पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी को मुक्की खानी पड़ी है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके की, जहाँ तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों में यौन शोषण, जमीन हड़पने और जबरन पैसा ऐंठने जैसे आरोप हैं। संदेश खाली के पूरे मामले के केंद्र में एक स्थानीय दबंग शेख शाहजहां है। शेख शाहजहां पीडीएस घोटाले में आरोपी है और 5 जनवरी को जब ईडी की टीम ने जांच के लिए उसके घर पहुंची थी, दबिश की थी, तो ईडी की टीम पर स्थानीय लोगों ने, जिन्हें शेख शाहजहां का समर्थक बताया गया, उन्होंने उस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद से शेख शाहजहां 5 जनवरी से फरार है, लापता है, भगोड़ा है। 1.5 महीने से पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है। इस मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार से बेहद सख्त सवाल किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि शेख शाहजहां आखिर है कहां? शेख शाहजहां ऐसे फरार नहीं रह सकता, कोई एक शख्स सबको ठेंगे पर नहीं रख सकता है। शेख शाहजहां को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, सीधे सीधे कोर्ट ने पूछा। आरोपों के बाद से ही वो फरार है, आप लोगों को तंग ना करें, उन्हें बोलने दें, यह भी कोर्ट की टिप्पणी थी। साफ है हाईकोर्ट का इशारा संदेश खाली के उन आम लोगों की तकलीफ को लेकर है जिन्होंने शेख शाहजहां पर ईडी की कार्रवाई के बाद से अपनी तकलीफ बतानी शुरू कर दी है कि कैसे शेख शाहजहां और उसके लोग स्थानीय लोगों पर दबाव बनाते थे, उनके साथ गुंडागर्दी करते थे। इनमें कई स्थानीय महिलाएं हैं जिन्होंने शाहजहां शेख और उसके लोगों पर कई साल से यौन शोषण करने, अपने परिवार के लोगों के साथ मारपीट करने, जमीन हड़प लेने और पैसा ऐंठने के आरोप भी लगाए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस इलाके में शाहजहां शेख की तूती बोलती थी और कोई उसके खिलाफ मुंह नहीं खोल सकता था। मीडिया में यह सब सामने आने के बाद से इस इलाके में शेख शाहजहां के खिलाफ कई प्रदर्शन भी हुए हैं, उस पर कार्रवाई की मांग तेज होती जा रही है और राज्य सरकार पर उसके खिलाफ नरमी बढ़ते जाने के आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल की विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर राज्य की ममता बनर्जी सरकार को घेरने में लगातार जुटी हैं, दबाव बना के रखा हुआ है। आज बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी और सीपीएम की नेता वृंदा करात संदेश खाली के दौरे पर गए। हालांकि राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जब संदेश खाली जाने के लिए निकले तो उन्हें रास्ते में धामकली फेरी घाट पर रोका गया। प्रशासन ने यहां पर फिर धारा 144 लगा दी थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई में एक डिवीजन बेंच ने शुभेंदु अधिकारी को सुरक्षा के साथ संदेश खाली जाने की इजाजत दे दी। पुलिस को उन्हें जाने देना पड़ा। स्थानीय महिलाओं ने शुभेंदु अधिकारी का वहां पर स्वागत किया और उन्हें अपनी तकलीफें बताई। इसी तरह सीपीएम नेता वृंदा करात को भी पहले पुलिस ने रोक दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें भी पुलिस सुरक्षा में संदेश खाली जाने दिया गया। वृंदा करात ने भी लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मुद्दा सरकार के सामने उठाने का वादा किया। दे आर चैलेंजिंग ममता पुलिस, चैलेंजिंग कलकत्ता हाईकोर्ट ऑर्डर। 1 घंटा यहाँ वो लोग को रीथिंक करने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ। 12:11-10 बजे 12:10 में मैं सीधा गाड़ी घुमा के कलकत्ता हाईकोर्ट जाऊँ। ये मेरी सरकार के खिलाफ साजिश है। ये साजिश तो वो है जो तुम्हारे ऑफिस के अंदर महिलाओं के साथ यौन अत्याचार हो रहा है, यही तो साजिश है। और उस साजिश करने वाले अपराधियों को आज आप साथ दे रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आप महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप भी महिलाओं की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपका काम है गुंडा बाहिनी को कैसे बचाया जाए।